वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की। और गोपू के बच्चे हो चुके हैं बड़े, अब वो नहीं रुकते चारपाई में। और ये जो बाड़ा बना रखा है इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, ये भी अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसको गिरा करके गोपू के बच्चे आराम से घूम रहे फिर रहे हैं। अब अच्छे से चलने लग गए, जैसे पहले से तो नहीं चल पा रहे थे, अब भाई दौड़ लगा दे रहे हैं गोपू के बच्चे। अब इनको कोई नहीं रोक सकता, इनका जहां मर्जी वहां अपने हिसाब से आने जाने वाले हो गए। ये देखो कैसे फुदक रहे हैं जहां तहां। ओए, तुम ये क्या कर रहे हो, कहां निकले हो? ये गोपू के बच्चे देखो कैसे पूरी चारपाई में घूम रहे हैं। गोपू को ढूंढ रहे हो तुम लोग? यहाँ से जंप मारोगे तो गिरोगे। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गिरेगा। यहाँ से गिरोगे, जाओ वापस वापस, जाओ वापस, जाओ सबस सबस, गिरेगा नीचे। रे भाई तू भी जाओ ऊपर जा। ये देखो कैसे अब चल ले रहे हैं ये लोग। पहले पीछे वाले पैर कैसे कर रहे थे चलने में, अब सही कर रहे हैं ना, अब सही से टेक रहे पीछे का पैर भी। आ गई गोपुली ये, अब इसके पीछे पीछे जाएंगे बच्चे या नहीं जाएंगे, उसके पीछे पीछे नहीं। ओए गिरेगा गिरेगा, ये देखो कैसे चिल्ला रहे, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अरे गिरा 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 गिरा, ऊपर जाओ ऊपर, वापस जाओ ऊपर। जंप मार के ही रहेगा ये नीचे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। गोपू ये क्या हो रहा है भाई, बुलाओ उनको। आया आया, पक्का आकर के रहेगा ये नीचे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, नहीं मानेगा। ये देखो हो गया, टेडी पे बैठ गया फिर वहीं जा रहा है। चले गए, चले गए अभी। ये नहीं जाता, इसको बाहर ही घूमने की धुन है। वो अब वहां से लुड़केगा और नहीं वहां से जा रहा है अंदर। यहाँ से सब लुड़का भी दिया, देखो इन्होंने इनकी बाउंड्री बनाई हुई थी, लेकिन अब इन बाउंड्रियों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग सब ऐसे ही चल रहे हैं। और देखो कितने बड़े हो गए हैं और अब जहां तहां फुदकने लग गए हैं। ये देखो ये देखो फिर निकल गया ना बाहर, ये भी आया, ये देखो नाखून बनाने लग गया, वो ऊपर गया। ये देखो यहाँ इनका, ये देखो ये देखो देखो ये यहाँ है, ये यहाँ पर है, यहाँ पे और ये देखो इसे, ये यहाँ है। गोपू शैतान हो रहे बच्चे, वो देखो वो अकेला वहाँ क्या कर रहा है। आ जा नहीं जा, ये देखो आया 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 आया, अभी किस पर अटैक करेगा। खेल कूद कर रहे हैं भाई, खेल कूद। वो देखो अब ये यहाँ से निकलेगा। हाँ अब इनका बाड़ा बना के कोई वो नहीं है, क्योंकि अब ये आराम से निकल जाएंगे यहाँ से। चल रहे गोपू, संभाल अपने बच्चों को। वो फिर चला गया भाई, थक गए गोपू के बच्चे बस इतने में ही। अब देखो सबके सब अभी तक कितना उछल कूद कर रहे थे, और अब देखो भूख लग गई, अब शांत हो गए बच्चे। अब मैंने फिर से ठीक कर दिया इन लोगों का ये बाड़ा, लेकिन कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इनकी दीवार ठीक कर देते हैं। ये देखो इसको अभी भी मस्ती सूझ रही है। मीशु, बिल्ली का बच्चा देखने आए हो, कैसे लग रहे हैं बिल्ली के बच्चे? तो फ्रेंड्स, मीशु आ रखा है गोपुलू के बच्चों को देखने के लिए। ये देखो क्या मिलियो, हाँ कितने सारे हैं ना, आ नहीं जा रहा।
आ गई गोपू भी। आ जाना आ जाना। ये देखो वहाँ पर गोपुलू आ गई है, तो ये गोपुलू को बुला रही है। आजा बले बिल्ली, आजा बले राम। ओ आजा रे, इधर आजा। थे जैसे निशु है, निशु की माँ कैसे बुलाती निशु को? निशु आजा, तू छुछु मत करना पापिस। ये देखो ये रे यहाँ पर एक के ऊपर एक देख कैसे बैठे हुए, दिखाओ भैया। देख गोपू सब तेर से मिलने के लिए आते हैं तेरे बच्चों से। आ गई गोपू, ये देखो कैसे निकल गया ये बाहर। गिरेगा वहां से नीचे, जा जा अंदर जा। ओ गिरा गिरा, आ ऊपर आ ऊपर, शाबाश, आ जा जा जा। अब तो ऊपर आना भी सीख गए। अब यहाँ पर हम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज अब गोपुली एक एक करके अपने बच्चों को यहाँ वहां शिफ्ट करने लग गई है। इनमें से एक बेबी को लेकर के चली गई है वो ऊपर छत में, और ये तीन अभी यहाँ पर हैं। तो मैं भी चलती हूँ छत पे, देख करके आती हूँ। मम्मी गई है वैसे देखने के लिए, क्योंकि ऊपर छत में खतरा है। ये देखो इसको भी ले जा रही है, एक को लेकर के चली गई, अब दूसरे को ले जा रही है। इसे कहाँ ले जाएगी? भूल गई क्या? ऊपर छत में लेकर के चली गई। फ्रेंड्स यहाँ पर गोपुलू के दो बच्चे हैं, और अब गोपुलू ने अपने बच्चों को ले जाना भी स्टार्ट कर दिया। अब ये बच्चे क्योंकि यहाँ पर रुक भी नहीं रहे, चलने फिरने लग गए हैं, तो अब गोपुली एक एक करके अपने बच्चों को लेकर के जा रही है। दो बच्चे ये लेकर के चली गई है, अब ये दो बच्चे हैं, पता नहीं इनको भी ले जाएगी या क्या करेगी गोपुली। इन दोनों को यहीं पर रख दिया है, और उन दोनों को पता नहीं ऊपर छत में लेकर के जा रखी है, कहीं छत में रख दिया है उसने उन दोनों को, क्योंकि अब ये चारों के चारों खूब चलने फिरने लग गए हैं, दौड़ रहे वगैरह कर रहे हैं, तो खूब गोपुली के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, किसको देखें किसको नहीं देखें हो रही। तो उन दो को अलग रख करके आ गई, और इन दोनों को यहीं पर रखा है। अभी नहीं मालूम कि इन दोनों को भी वहीं लेकर के जाएगी जहां उन दोनों को रखा है या कहां। वैसे भी कहावत है कि बिल्ली अपने बच्चों को सात घर लेकर के जाती है, और अगर सात घर ना भी ले जाए तो एक ही घर में सात जगह जगह ले जाती है। तो फिलहाल देखते हैं कि गोपुली क्या करती है। अभी तो दो बच्चों को उसने छत में रखा हुआ है, ये दो हैं, देखते हैं बाकी क्या करती है अभी वो आगे। अपने को तो फिलहाल इन दो बच्चों के साथ यहाँ पर बैठ गई है। ये दोनों यहाँ पर है, ये रही एक, ये रहा अपने को भी यहाँ पर बैठ गई है गोपू, और एक कालू ये है, बाकी दो ऊपर छत में रखा। गोपू सारे बच्चों को ले गई, लेकिन इसे नीचे ही छोड़ दिया था उसने, इसीलिए हम इसको ऊपर ले आए, क्योंकि ये बेचारा अंदर अकेला रो रहा था और डर रहा था, बहुत जोरों शोरों से कांप रहा था। ये यहाँ रख रही है सारे बच्चों को। फ्रेंड्स हमने इतने अच्छे से गोपू और उसके बच्चों को अंदर रखा हुआ था, लेकिन अब गोपू इतने अनकंफर्ट वाली जगह में लेकर आ गई है अपने बच्चों को, और उसके सारे बच्चे यहीं पर म्याऊं म्याऊं। फ्रेंड्स बज चुके हैं सुबह के 10, और हम लोग भी ऊपर छत से आ गए हैं नीचे, और मम्मी ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया है, धूप में रखने लग गए हैं सब कपड़े वगैरह। और गोपुली की हालत देखो, बच्चों को ऊपर रख दिया और अपने को यहाँ पर इधर उधर घूमने पे लगी हुई है। अभी तक बाहर घूम रही थी और अब अंदर चली गई है, पता नहीं, उनको तो ऊपर इतनी अनकंफर्टेबल वाली जगह पर रख दिया है और अपने को यहीं पर घूम रही है। जब अपना भी यहीं रहना है तो पता नहीं बच्चों को क्यों ऊपर पहुंचाया उसने। ये देखो आ गई गोपुली यहाँ पर है। गोपू यही जगह है जहाँ पर तू और तेरे बच्चे रह रहे थे? देखने के लिए आ रखी है अपनी इस जगह को, यहाँ पर किस तरीके से गोपू और गोपू के बच्चे रहते थे। अब सारे बच्चों को ऊपर पहुंचा दिया है छत में, और अपने को यहाँ पर आ गई है। हुआ? क्यों ले गई बच्चों को ऊपर? जा लेकर के आ जाओ उनको नीचे। जा रही है, जा लेकर के आ, ऊपर छत में क्या करेंगे वो। अभी तक अपने को वही जगह देख रही थी अपनी जहाँ पर रहते थे ये और इसके बच्चे, और अब दूध पीने के लिए आ गई है यहाँ पे। क्या पता ले आए वापस बच्चों को फिर से, क्यों लेकर के गई फिर? अपने को यहाँ पर रह रही और उनको वहाँ उस तरीके से छोड़ दिया गोपू, ये तो गलत बात है। जा ले आ बच्चों को, जा
अब नहीं दिखाएंगे, किसी को भी नहीं ले जाएंगे उस कमरे में। जा लेकर ये देखो फ्रेंड्स, अंदर इतने प्यार से रखा हुआ था और इसने यहाँ पर ले आई है बच्चों को। एक बेबी पता नहीं कहाँ है इसका, यहाँ पर तीन है, एक और है और दो उसके गोद में है। एक कहाँ चला गया, यहाँ चारपाई के नीचे इतने तेज धूप में ऐसे करके बैठ रखी है और बच्चों को भी ऐसे ला रखी है। कैसे आ गए ये? कालू पहचान लिया? गोपू चल इनको लेकर के नीचे, नीचे आना चाह रहे हैं तेरे बच्चे। अब देखे ना जाओ अपन जगह ढूंढने रे देना। बचा लिया मम्मी ने उसको, बेचारा फंस गया था, निकल ही नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से निकाला यार। गोपुलो ऐसे जगह फंसा दे रही है ना बच्चों को, पूरी लकड़ी वगैरह सामान संभाल के रखा हुआ उसके अंदर, वैसे फंसा दिया था। आ जाओ, फंस गया था रे बच्चा, आ जा। नीचे लेकर के जा रही है मम्मी इनको, एक रहा वो गोपुलू के पास है। चल अब तेरी बारी आ गई है नीचे चलने की, चल गोपुआ आ, आ जा, आ गोपुआ आ नीचे चलेंगे आज। सो फ्रेंड्स, 11:30 हो चुके हैं और हम लोग ये बिल्ली के बच्चों को नीचे लेकर के आ गए और गोपू भी आ गई है नीचे, क्योंकि ऊपर रहने लायक बिल्कुल नहीं हो रहा था। वैसे तो पता नहीं लाना चाहिए था नहीं लाना चाहिए था, बट जिस तरीके के ऊपर इन बेचारे बच्चों की सिचुएशन हो रही थी उससे तो हमें यही लगा कि हमें बिल्ली के बच्चे अंदर लेकर के आ जाना चाहिए। तो हम लोग बच्चों को अंदर लेकर के आ गए हैं और गोपुली भी आ गई है, ये आ गई गोपू भी, ये रही गोपू। अब देखो हमने यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ और कहाँ वो चारपाई के नीचे वहाँ लकड़ियों के बीचों बीच बच्चों को फंसा रखा था। एक बेचारा बच्चा तो फंस ही गया था अंदर, वो तो अच्छा हुआ हम लोग ने ऊपर जा करके देखा, लाने की सोची तब जा करके हम ऊपर गए थे। टिक भी नहीं रहे ना, चल ही रहे अभी, इतने में नहीं रहेंगे वैसे तो, क्योंकि चलने फिरने की वाले हो गए हैं तो जगह, ये वाली जगह छोटी पड़ रही है उनको। कलराम जी कलराम, ये कलराम जी कलराम, फाइनली आ गए हैं अंदर। तो फ्रेंड्स वापस से आ चुके हैं गोपू और गोपू के बेबीज अंदर और वापस से अपने बिस्तर में यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कितना अच्छे से रह रहे हैं और ऊपर इस तरीके से कहाँ रहने को मिल रहा था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ होती है मेरे ब्लॉग की हैप्पी क्लोजिंग, बिकॉज गोपू और उसके बेबीज आ चुके हैं वापस घर के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।